स्वागत है आप लोग अपना YouTube चैनल में इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि ये प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने जा रहे हैं। और ये क्लास 11th का टॉपिक है, CBSE बोर्ड का है। और इसमें जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, और एक बेस ईयर और एक करंट ईयर का लिया जाएगा डेटा, और उसके थ्रू ये फाइंड आउट किया जाएगा कि किस ईयर में उसका जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है और उनका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आइटम्स लिख रखा है। आइटम्स आपका है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आइटम्स है, जिसमें कि फूड है, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउस रेंट्स एंड मिसलेनियस। तो ये जो इतने भी आइटम्स लिख रखे हैं तो उनके वेट भी दिया हुआ है। इनका वेट जो है एक 75 है फूड का, क्लोथिंग का 10 है, फ्यूल एंड लाइटिंग का 5 है, हाउस रेंट इज 6 एंड मिसलेनियस इज 4। तो हमने क्या किया है कि इनका समेशन किया, इनका सब एडअप कर लिया है, जितना भी इनका वेट है टोटल। तो इनका जब हमने ऐड किया है तो ये कितना आया है, हमारा 100 आया है। और हम लोग निकालने आ रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बेस ईयर माना जाता है, दिया हुआ क्वेश्चन में ही आपका सब लिख रखा है, हम लोग यहाँ से इसको सॉल्यूशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन में बेस ईयर को जो हमने P0 से डिनोट किया, बेस ईयर है 2010, और करंट ईयर को 2020 माना गया है। तो बेस ईयर जो P0 से हम डिनोट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 100, आफ्टर देन क्लोथिंग का 20 है, फ्यूल एंड लाइटिंग का 15 है, हाउस रेंट 30, मिसलेनियस इज 35। एंड P1 इज जो हमारा करंट ईयर है 2020, तो इसका जो आपको दिया हुआ फ्यूल का 200, क्लोथिंग इज 25, फ्यूल एंड लाइटिंग इज 20 एंड हाउस रेंट इज 40, मिसलेनियस 65, ये बता दिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये आपका जो प्राइस इंडेक्स जो है उसको, जैसे कि रिलेटिव प्राइस इंडेक्स इसको निकाला गया है, इसमें क्या P1 जो है करंट ईयर एंड P0 है जो आपका बेस ईयर, ये आपका ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे कि यहाँ 75, ये 100 है, ये 200 है। तो P1 क्या है कि 200 है आपका, और P0 जो है वो 100 है। और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 100 से 100 काटेंगे तो 200 आ गया, तो ये 200 वैल्यू है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ 25/20 करो और 100 कर दो, तो इसका वैल्यू 125 आ जाएगा। यहाँ पर 20/25 × 100 तो आप करोगे तो 133.33 आएगा। 40/30 × 100 इज 133.33, ये वैल्यू आप करेगा। एंड 65/35 × 100 इज 185.71। तो ये हम लोग क्या करें, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स हमने निकाला है, इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। उसके बाद हम लोग क्या किया, I × W क्या है, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स इंटू वेट किया है, तो इसको दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप 200 × 75 करोगे तो 15,000 आएगा आपका। आफ्टर देन आपको 10 × 125 1,250 ऐसा आएगा। तो उसी तरह हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और हमारे इस तरह से सारा वैल्यू आया है। तो हमारे मिसलेनियस का आ गया 742.84 आया है। फिर जब ये पूरा हमारा वैल्यू जब हम लोग ने निकाल लिया है इसका, तो इसका हमने सम किया, तो समेशन किया है I × W का, जो समेशन ऐड किया है, तो 18459 ये पूरा आपका वैल्यू है। ये तो आपका यहाँ तक निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम लोग क्वेश्चन में बोला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो अभी जैसे कि हमने जब ये फाइंड आउट किया है रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, तो इससे हम लोग ये जैसे बेस ईयर करेंट ईयर से इससे ये हम लोग देख रहे हैं कि जो परचेजिंग पावर है लोगों का, उसका ये यहाँ पर हमको दर्शाता है कि अगर बेस ईयर में अगर प्राइस अगर घट रहा है या बढ़ रहा है करेंट ईयर तक का जो 10 साल का जो डेटा है, तो उसमें देखा जा रहा है कि अगर घट रहा है तो प्राइस का वैल्यू, कोई कॉमोडिटी का प्राइस घट रहा है तो क्या हो रहा है कि परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रहा है। फिर वाइस वर्सा उल्टा फिर हो जाएगा, अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर क्या होगा कि घट जाएगा। तो उसी तरह ये हम लोग इससे फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं। तो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ का समेशन, इसका जो सम किया है उसका वैल्यू, IW का समेशन / W का समेशन, तो ये वैल्यू था 184.59/100, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया है वेट का टोटल का सम किया जो 100 आया था।
तो आप इसको सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो आप 100 था तो इससे यहाँ पर आपको करोगे सॉल्यूशन तो 184.59 आएगा, और इसको अप्रॉक्सिमेट वैल्यू मान गए 185। यही आपका क्या है कि आंसर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है और आपको हो ये उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।